प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, प्याज ले लो प्याज। अरे गांव के सभी लोग तो अपने घरों में सो रहे हैं, फिर मेरी प्याज कौन खरीदेगा। एक काम करती हूँ, सीधा उनके घर पर जाकर बेच कर आती हूँ। तभी चुड़ैल मोहन के घर पर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर मोहन नींद से जाग जाता है। अरे कौन है इतनी रात में, हद हो गई। गांव वालों ने तो मुझे परेशान कर रखा है, लगता है कोई कर्ज वाला कर्ज लेने आया है। जैसे ही मोहन दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने सिर पर प्याज की टोकरी लिए खड़ी होती है। क्या बात है, बड़ा ही मुस्टंडा है तू, क्या प्याज खरीदने आया है बाहर? लेकिन अब मैं तुझे इन प्याज के साथ अपने मुंह में निकल जाऊंगी। चुड़ैल, भगवान कोई बचाओ हमें, कितनी भयानक चुड़ैल है, अरे गांव वालों को यहाँ पर आ जाओ। मोहन ये बोल ही रहा था कि इतने में चुड़ैल उसे मार कर खाने लगती है और बचा कुचा वहीं छोड़ देती है। हाय चक 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 हूँ मैं, हाय चक 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 हूँ मैं। क्या बात है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया, आखिर ये इंसान होते ही इतने स्वादिष्ट हैं। चुड़ैल अपनी प्याज की टोकरी लेकर हवा में गायब हो जाती है, जिसके बाद मोहन की आवाज सुनने की वजह से गांव के कुछ दो तीन घरों से लोग उठ जाते हैं और मोहन के घर पर उसे देखने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मोहन के आधे शरीर को देखकर बहुत घबरा जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे देखो तो, मोहन भैया की हत्या हो गई है, मरने वाले ने इनकी लाश को भी नहीं छोड़ा। अरे दैया का हुई गवा। बाप रे बाप, लागत है कोई चोरी की खातिर इन्हें मारने आया था, लेकिन घर में देखने से ऐसा लग तो नहीं रहा जैसे कोई चोर चोरी करने आया हो। अरे भाई साहब देखो तो जरा, यहाँ आसपास कितनी सारी प्याज बिखरी पड़ी है, मुझे तो नहीं लगता कि ये काम किसी चोर चक्के का है। अरे मुझे तो लगता है ये किसी भूत चुड़ैल का काम है। अरे देखो तो जरा, कितनी बुरी तरीके से इसका शरीर खाया हुआ है, और ये दांत के निशानों को देखो, बिल्कुल चुड़ैल के दिख रहे हैं। अरे अम्मा कह तो तुम सही रही हो, लेकिन हमारे गांव में भूत या चुड़ैल क्या करेंगे? ये तो मैं भी नहीं जानती, हमें इसका पता लगाने की कोशिश करनी होगी। दादी की बात सुनकर गांव के सभी लोग धीरे धीरे अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है, जिसके बाद रात के समय चुड़ैल फिर से टोकरी में कई सारी प्याज भर के गांव की तरफ आ रही होती है। प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, बढ़िया बढ़िया प्याज, प्याज ले लो प्याज। तभी उस चुड़ैल को अपने सामने एक घर दिखाई देता है जहाँ से रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर चुड़ैल उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जैसे ही वो उस घर के अंदर झांक कर देखती है, उस घर में दो मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं। जरा देखो तो सही, इन दोनों को कैसे चूहे और बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है देखकर। तुम इतना खर्च क्यों करती हो, तुम्हें पता है ना आजकल महंगाई कितनी हो गई है। अरे कम से कम इसी बात का ध्यान रखा करो कि प्याज कितनी महंगी हो गई है। अच्छा तो अब आप मुझे मेरे खर्चों के लिए रोकेंगे, और वैसे भी मैं कौन सा इतने खर्चे करती हूँ? अरे ये तो एक दूसरे के खर्चों के लिए लड़ रहे हैं। बहुत मजा आएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीरियल चल रहा हो। चुड़ैल बहुत देर से उन दोनों को आपस में लड़ते झगड़ते देखती रहती है, जिसके बाद उसे अपनी जिंदगी के कुछ पल याद आ जाते हैं। मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, आज अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो शायद मैं भी जिंदा होती और अपने पति के साथ रह रही होती। तभी चुड़ैल देखती है कि वो आदमी उस औरत को घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है, और वो औरत रोते रोते वहां से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद आदमी अपनी रसोई में आता है और खाना बनाने लगता है, लेकिन उसके घर में प्याज खत्म हो जाती है। तभी चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजा बजाते हुए कहती है, प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, बढ़िया बढ़िया प्याज ले लो प्याज। अरे बिल्कुल सही वक्त पर प्याज वाली प्याज लेकर आ गई, अब कम से कम मैं अपने लिए खाना तो बना लूंगा। जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलने के लिए जाता है, दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह डर जाता है, डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल, अरे मोरी मैया, एक चुड़ैल को दफा किया तो हकीकत की चुड़ैल सामने प्रकट हो गई, कहीं ये राधा तो नहीं? नहीं,
मैं तेरी राधा नहीं, मैं तो तेरी मौत हूँ, जो तेरी जिंदगी से तुझे मुक्त करने आई हूँ। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। तुम जैसे नामर्दों की वजह से ही मेरी जैसी औरतें ऐसी चुड़ैल बनती हैं जो लोगों को मारने लगती हैं। तभी उस आदमी की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग नींद से जाग जाते हैं और अपने घरों से निकलकर उस आदमी की आवाज सुनते सुनते वहां पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को देखकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे गांव वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से, आज मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इस इंसान ने जो अपनी औरत के साथ किया है उसके लिए इसे सजा मिलनी बहुत जरूरी है। तभी कैलाश चुड़ैल के सिर पर लाठी मारता है और उससे कहता है, क्यों नहीं चुड़ैल, इस गांव में क्या करने आई है? तू देख सीधी तरह से बता दे वरना अच्छा नहीं होगा, और तू जानती नहीं है हम इस गांव वाले तेरे साथ क्या करेंगे। मैं तुम लोगों की धमकियों से डरती नहीं हूँ। तभी प्रमोद एक मशाल जलाकर लाता है और चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल की बच्ची तू ऐसे नहीं मानेगी, और वैसे भी मुझे पता है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इस आग को मेरे करीब मत लाना, मैं तुम्हें अभी सारा सच बताती हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है, मैं इसी गांव में बहुत ही हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन एक दुर्घटना के दौरान मेरे सास ससुर की एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैं अपने पति राहुल के साथ अकेले रह गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ तेरे साथ जो तूने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया? आखिर क्या वजह है इन सब की? मेरे सास ससुर सरकारी नौकर थे और घर वही चलाया करते थे। मेरा पति दारू पीकर मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया करता था, और जब मेरे सास ससुर इस दुनिया से चले गए तो मैं अपना और अपने पति का पेट पालने के लिए प्याज बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन कोई मेरी प्याज खरीदता ही नहीं था क्योंकि मैं नीची जाति की थी और मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे, इसलिए सब मुझसे दूर भागते थे। एक दिन रात के समय मैं प्याज बेचकर वापस घर आई। उस दिन मेरे पति ने दारू पी के मुझसे लड़ाई की, जिसके बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया और मैं रोते रोते जंगल की तरफ पहुंच गई, जहां मुझे जंगली भेड़िए जैसे 3-4 लोग मिल गए। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे मारकर जंगल की सूखी पत्तियों से आग लगा दी, लेकिन मरने के बाद मुझे शांति नहीं मिली और मैं गांव में प्याज बेचने लगी। जो मेरी प्याज खरीदता मैं उसे मार देती। देख चुड़ैल, अभी तक तूने गांव के कई लोगों को मार दिया है, इसलिए अपनी गलती का पछतावा करते हुए तू यहाँ से चली जा, वरना हमें तुझे यहाँ से भगाने के लिए इस मशाल का इस्तेमाल करना होगा। नहीं नहीं, मुझे आग से बहुत डर लगता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आइंदा इस गांव में कभी नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गांव वाले उस चुड़ैल को उसकी हालत की वजह से छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और गांव वाले एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। चुड़ैल की खूनी रोटियां। तन्मय, तुम्हारे पेट में फिर से चूहे दौड़ने लगे क्या? हाँ बेबी, तुम तो जानती हो ना कि मेहनती बंदे को कितनी भूख लगती है। एक नवविवाहित दंपति आधी रात गाड़ी में सवार आगे बढ़ रहे थे। तन्मय देखो, मैं इतनी रात में जाकर तुम्हारे लिए रोटियां नहीं सेकने वाली, समझे? तुम आजकल की लड़कियों को रोटी बेलने में इतनी आफत क्यों आती है? तन्मय खिसियाए स्वभाव से गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए आगे बढ़ता है कि कुछ दूरी तय करते ही उसकी गाड़ी एक गांव के सरहद के पास आकर रुक जाती है। तन्मय, यहाँ गाड़ी रुक गई और तुम्हें खुशी छा रही है? वो देखो, मेरे पेट का जुगाड़ हो गया। दरअसल गांव के सीमा के बाहर एक औरत मढ़ई में बैठी रोटियां सेक रही होती है। अरे सुनो रोटी वाली, जरा खाने की एक थाल तो लगाना। आर यू मैड तन्मय, तुम इस औरत के हाथों की रोटियां खाओगे? कितनी गंदी तरह से मिट्टी पर पसर कर रोटियां बना रही है। मेम साहब, आप शहरी लोगों की यही कमी है, अगर आप ये एक रोटी का निवाला भी खाएंगी तो शहर के 56 भोग भूल जाओगी। औरत रोटियां सेक कर तन्मय को दे देती है। तन्मय रोटी का एक निवाला खाते ही बोलता है, वाह सचमुच तुम्हारे हाथ की रोटियों में तो जादू है, कितनी मिठास है। अचानक से तन्मय के गले की खाल उधड़ने लगती है और उसके गले से बहने वाले खून से सारे कपड़े सन जाते हैं। वो कराते हुए जमीन पर चित हो जाता है। मौली, अरे बचाओ मुझे, अरे मेरी जान जा रही है। तन्मय उठो, क्या मिला था उस रोटी में जो तूने मेरे पति को खिलाया, बोल चुड़ैल। औरत शातिर हंसी हंसने लगती है। तभी आसमान का रुख एकदम से भयानक हो जाता है, जिसके संग औरत चुड़ैल के भयानक रूप में आ जाती है। तुम चुड़ैल हो? हाँ मैं चुड़ैल हूँ,
जो भी मेरे बनाए खूनी रोटियां खाएगा वो मारा जाएगा। मौली कुर्ती से भागने के खातिर जैसे ही आगे बढ़ती है, चुड़ैल उसके एकदम सामने आकर एक रोटी उसके मुंह में भरते हुए कहती है, ले खा, ठूस मेरी बनाई रोटियों में कमी निकल कर खिल्ली उड़ाई थी ना, अब भुगत। बौखलाई चुड़ैल अपनी खूनी रोटियां खिलाकर उसे ढेर कर देती है। अगली भोर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के लोग वहां जब काम करने आते हैं तो उनकी नजरें चका चौंध रह जाती हैं। अरे ये सब हो क्या रहा है, मेरे तो कुछ भी पले नहीं पड़ रहा, आखिर ये झोपड़ी रोज रोज कैसे यहाँ खड़ी हो जाती है, जरूर इस जमीन पर किसी भूतनी का साया पड़ चुका है। क्या वाहियात बातें कर रहे हो, देखो चाहे कुछ भी हो जाए ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रोकना चाहिए, मैं तुम्हें हर दिन के दुगने पैसे दूंगा, बस तुम मन से काम करो, जल्द से जल्द यहाँ विक्रम बजाज का होटल खुलेगा। पैसों के लालच में आकर सभी वर्कर देर रात तक काम करने लगते हैं। तभी चुड़ैल भेष बदल कर खाने से भरा डेला लाते हुए कहती है, गर्मा गर्म रोटी खा लो। वर्कर की झुंड में काम कर रहा एक सरदार कहता है, अरे पुक्के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना, ओए वीरो कि आज रोटी छोटी खाना तो विचार नहीं हैगा, चलो छेदी छेदी आ जाओ। बस गया शिकार। अब जैसे ही ये सभी मुझ चुड़ैल की खूनी रोटियां खाएंगे इनका खेल खत्म। अरे पहला हूँ रोटी परोस दे छेदी। ये लो सरदार जी शुरू करो। चुड़ैल सभी के आगे अपनी बनाई खूनी रोटियां परोस देती है। ओए ओए मक्के दी करारी रोटियां दे सरसों दा साग, कितने वक्त बाद नसीब होया है। अरे अरे सरदार जी खाते वक्त बात नहीं करते, जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, फिर मुझे बर्तन लेकर वापस भी लौटना है। सभी एक साथ रोटियां खाना शुरू करते हैं कि कुछ ही पल में चुड़ैल की बनाई रोटियों का थाक सफाचट हो जाता है। तभी सभी गला पकड़ कर छटपटाने लगते हैं। अरे अरे बचाओ बचाओ, अरे ए, ए, की होया तुम सरेआनू। इनकी अंतिम घड़ी जो आन पड़ी है। चुड़ैल की दोहरी आवाज सुनकर सरदार उसके भयावह जलजले रूप की ओर ताकता है जो सर से पांव तक आग में धधक रही थी। ये मंजर देख उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हाय रब्बा, ऐते चुड़ैल सी उनकी करा, कैसे बचावा अपने मित्रानू। सरदार जी जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। चुड़ैल जी मैनू कुछ भी जानने दी कोई लोड़ नहीं सी, तुसी मेरी जान बख्श देओ। कद 6 फुटिया लेकिन अकल शकल से एकदम फट्टू है तू, खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुझको भी अपनी खूनी रोटियां खिलाकर मार डालूंगी। तुझे मेरी नाल की जान दे हो। तुझे मेरी मदद करनी होगी मगर उसके खातिर तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तकरीबन 1 माह पहले की बात है, धूमगढ़ गांव में मंजरी नाम की लड़की गांव के सीमा के बाहर एक घास फूस की टिकाऊ मढ़ई में ढाबा खोले बैठी थी। वह बेहद सस्ता खाना बेचा करती थी जिसके चलते उसकी बेहद अच्छी कमाई होती थी। अरे मंजरी बहन जरा जल्दी से खाना दे दो, भूख के मारे पेट में कबड्डी मची हुई है। अरे हाँ बबलू भैया अभी लाई। मंजरी झटपट से तवे की रोटी सेक कर खाने की थाली भर कर बबलू के आगे परोसती है और बबलू उसे 10 रुपए पकड़ा देता है, जिसे देख वहाँ बैठा एक अमीर आदमी बोलता है, अरे तुम मूर्ख औरत हो क्या, भट्टी की आग में धधक कर ये रोटियाँ सेक कर इतना सस्ता बेच रही हो, ऐसे कितना कमा पाती हो। अरे साहेब छोटा मुँह बड़ी बात, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, मैं सस्ती रोटियां इसलिए बेचती हूँ जिससे कि गांव के गरीब लोग इससे पेट भर सके, भले ही उससे 4 पैसे कम आएंगे लेकिन दुआएं तो भरपूर मिलेंगी। मानना पड़ेगा आज के जमाने में ऐसी बड़ी सोच। हर दिन के साथ मंजरी के हाथों की रोटियां खाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी जिससे उसकी आमदनी भी दुगनी होने लगती है। पर एक रोज एक बड़ी सी गाड़ी उसकी गुमटी के आगे रुकती है जिसमें से एक सूट बूट पहना रईस इंसान निकलता है। सुनो दो टके की छोकरी, अपना ये चूल्हा चौका और ये जली भुनी रोटियां उठा और रफा दफा हो। आप मुझे मेरी जगह से निकालने वाले होते कौन हैं? ये ऐसे नहीं मानेगी, आगे बढ़ो और बुलडोजर चढ़ा दो। तेजी से आ रही बुलडोजर मंजरी की आंखों के सामने सब कुछ कुचल देता है। तुम अमीर अपने आप को क्या समझते हो, ये ढाबा मेरे सालों की मेहनत का फल था, मेरी जीविका का एकमात्र सहारा था। नाली के कीड़े गरीब भिखारी, तुम लोगों को पैसे ऐंठने का बहाना चाहिए। दोनों के बीच तगड़ी भिड़ंत छिड़ जाती है। तभी विक्रम उसे जोर से धकेल देता है और बुलडोजर के नुकीले हिस्से की दरांती उसके जिस्म के आर पार हो जाती है और उसके चलते मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं उस विक्रम बजाज को मौत के घाट उतार कर ही यहां से जाऊंगी।
तू सिर्फ किसी भी बहाने उसे लेकर यहाँ आ। अगर तूने मुझ चुड़ैल से कोई भी चालाकी की तो तेरा हश्र बुरा होगा। लकविंदर दौड़कर विक्रम को हादसे की जगह पर ले आता है। लकविंदर, तुमने तो कहा था स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक जान पड़ता है। तभी जोर शोर से आंधी चलने लगती है और लकविंदर वहाँ से भाग चलता है। तभी चुड़ैल विक्रम का गला दबोच कर कहती है, मरेगा, अब तू मरेगा, तेरा इस जमीन पर होटल का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तुम यहाँ? इसका मतलब ये सब तुम्हारा बिछाया जाल था? हाँ, ये मुझ चुड़ैल का ही छलावा था, अब तुझे भी मुझ चुड़ैल की खूनी रोटियाँ खानी पड़ेंगी। विक्रम के कदम खौफ से पीछे भागने लगते हैं कि चुड़ैल गुस्से में आकर अपनी काली सिद्धियों से विक्रम पर सैकड़ों रोटियां और धधकते ज्वाला की बौछार करती है, जिसके चलते विक्रम का शरीर छिल जाता है। माफ कर दो मुझे, मत मारो, मेरी जान बख्श दो। तुझे बख्श दूं? कतई नहीं। तूने मेरी रोटियों का धंधा चौपट किया था, तेरी मौत तो आज होकर रहेगी। चुड़ैल उसका गला ताड़ ताड़ करके उसकी खोपड़ी को जल रहे चूल्हों की लपटों के हवाले करके अपना इंतकाम पूरा कर लेती है और एक बार फिर उस जगह पर चुड़ैल ढाबा सजाकर रोटियां बनाकर अनजान गरीबों को पेट भर रोटियां खिलाया करती है। रोटियां भूतिया डिनर। रात के समय रोहित, विराट, निशा नाइट आउट के लिए सुनसान सड़कों पर निकले थे। भूख लगने पर आगे जाकर एक पुराने से ढाबे पर रुकते हैं जहाँ दो लोग हाथ ताप रहे थे। ये देखकर तीनों ढाबे पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, सुनिए, क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ, बिल्कुल, आप आइए, आपको बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा यहाँ पर। वैसे मुझसे सब्र नहीं हो रहा, क्या बता सकते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है? हाँ, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सारे मेन्यू बताता हूँ। तीनों उन दोनों की बात सुनकर ढाबे में चले जाते हैं और वो आदमी कमलेश कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं तीनों के लिए बेस्ट खाना लेकर आता हूँ। अंदर वो औरत चंपा, जो कि एक चुड़ैल थी, वो एक बड़े से पतीले में एक करछी से उसे चलाकर कहती है, अजी देखिए तो, ये मुंडी और उंगलियों की सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, क्या खुशबू आ रही है, जरा आप चखेंगे। चखाओ चखाओ। ये खाने के बाद वो डरावना भूत कहता है, वाह, स्वादिष्ट बनाया मेरी चंपा रानी चुड़ैल, अब ये खाना मैं उन्हें भी खिलाकर आता हूँ। अगर उन्होंने ये खाना नहीं खाया तो आप जानते हैं ना हमें क्या करना है। हाँ बिल्कुल, मेरी चंपा रानी, उनकी भी बोटियां बोटियां करके इसी तरह तुमसे सब्जी बनवाऊंगा। अरे भैया, कितनी देर में खाना लाओगे? यहाँ पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं, जरा जल्दी लाओ ना। हाँ जल्दी लाइए, बहुत तेज की भूख लगी है। वो इस तरह मियाँ बीवी इंसानी रूप में उनके सामने जाकर खाना परोसते हैं, जो कि एक प्लेट में खून, हड्डियाँ, कटा सिर और कटी उंगलियाँ होती है। उन्हें देखकर कमलेश कहता है, माफ कीजिए, आपको ज्यादा देर इंतजार करवाना पड़ा, आपका खाना यहाँ है, खाइए पेट भरकर। खून, ये क्या मजाक है? हमने खाना मांगा है और आप हमें ये कटा सिर, हड्डी, खून, पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? ये क्या बदतमीजी है, हम यह खाना नहीं खा सकते। खाने में तो यही है और यही खाना भी पड़ेगा। अगर तुमने नहीं खाया तो भी तुम्हें जबरदस्ती ये खिला कर ही रहेंगे, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत, अरे राम रे, ये तो हम किसी भूत और चुड़ैल के पास खाना खाने आ गए, ये दोनों तो भूत हैं। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम चुड़ैल और भूत हैं। और अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप ये खाना खत्म करो। पर ये तो इंसानी मांस है, हम इसे नहीं खा सकते। ये तुम्हारा खाना है, खाना नहीं खाओगे तो मरोगे, अब बताओ खाओगे या मरोगे। भूत और चुड़ैल दोनों उनकी तरफ बढ़ते हैं और कटा सिर लेकर निशा के मुंह की तरफ करते हैं
वो डरकर उस कटे सिर को फेंक देती है। तभी रोते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। विराट, रोहित, कुछ करो, यहाँ से चलो। रवि चुड़ैल उसके बाल पकड़कर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने इतने लजीज खाने को नीचे फेंक दिया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। वो चुड़ैल ऐसा कहकर निशा को जबरदस्ती खून पिलाती है। तभी निशा फेंक देती है। यह देखकर चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो दो चार चांटे निशा के मारती है। ये देखकर विराट और रोहन चिल्लाने लगते हैं। तभी भूत दोनों को मारकर जबरदस्ती मांस हड्डी खिला देते हैं और मांस थूकने पर उन दोनों को जान से मार डालते हैं। अपने दोनों दोस्त को देखकर निशा बहुत रोती है। मार डाला तुम दोनों ने, मार डाला इनको। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो ये सिला दिया। हमें मजा आता है तुम लोगों को परेशान करके। जो भी यहाँ आएगा उसे भूतिया डिनर तो करना ही पड़ेगा। तेरा रोना धोना और बर्दाश्त नहीं होता, तू भी अब अपने दोस्तों के पास पहुंच जा। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल निशा को जमीन पर पटक पटक कर मार डालती है। अगले दिन भूत और चुड़ैल उनके ढाबे पर एक लड़का लड़की को आता देख ढाबे का भूतिया माहौल से रोमांटिक माहौल कर देता है, जिसे देखकर शुभम कहता है, अरे बेबी, मैं तुम्हें ऐसे ही डिनर पर ले जाना चाहता था, और यहाँ तो पहले से ही सब किया कराया मिल गया। कैंडल लाइट, डिनर, डेकोरेशन, कितना सुंदर सजा रखा है ना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक्सक्यूज मी आंटी, आप जल्दी से हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आइए। हाँ, जो भी आपके ढाबे का बेस्ट हो वो आप ले आइए। जी, अभी लाया। ये लोग जानते नहीं है यहाँ का बेस्ट डिनर सिर्फ कटी मुंडी, हड्डियाँ, खून और शरीर के टुकड़े का है। चुड़ैल और भूत इसी तरह उनके सामने जाते हैं और जब वो भूतिया खाना कटे सिर खून उंगलियों को देखते हैं तो डर जाते हैं और कहते हैं, ये तो कटी मुंडी, खून और शरीर के टुकड़े हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ। चलिए, अच्छा सा खाना लेकर आइए। हाँ प्लीज ले आइए। तुम दोनों ने ही कहा था इस ढाबे का जो बेस्ट खाना हो उसे लेकर आओ, तो मैं बस यही लेकर आया हूँ। ये कटी हुई मुंडी, लजीज खून वाली, ये उंगलियाँ, ये पुरानी हड्डी, ये मांस के टुकड़े, अरे अरे इन्हें खाओ, यहाँ का स्पेशल है। ये बोलते ही वो भूत भी अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ का माहौल भी डरावना हो जाता है। दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं कि दरवाजा बंद हो जाता है। अब तो तुम्हें ये खाना ही होगा, आओ हमारे साथ भूतिया डिनर करो। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई है जो हम यहाँ आ गए। प्लीज हमें बख्श दो, जाने दो हमें। नहीं, अब हम तुम्हें ये सब खिला कर ही रहेंगे। जैसे ही चुड़ैल और भूत दोनों को जबरदस्ती मांस और वो खून खिलाने पिलाने लगते हैं तो शुभम डर कर कहता है, देखो तुम्हारे जरूर साथ किसी ने गलत किया होगा, उसकी सजा हमें मत दो। मैं जानना चाहता हूँ तुम ऐसे हमेशा से तो नहीं होगे। ये बात सुनते ही वो भूत और चुड़ैल अपनी बीती बातों में चले जाते हैं, जहाँ वो इसी ढाबे में बावर्ची का काम करते थे। ऐसे ही एक दिन उनके पास दो गुंडे जैसे दिखने वाले हाथ में बोरी लिए आकर कहते हैं, सुनो ये बोरी थामो और इसमें कुछ जानवरों का मांस है, जरा उनका कीमा बनाकर लाओ, हम वही खाएंगे। जल्दी करो, तुम्हें पैसे देंगे, हमें ढाबे का खाना नहीं खाना। पैसों की बात सुनकर मालिक दोनों को उनके मांस का खाना बनाने को बोलता है। जैसे ही दोनों रसोई में जाकर उस बोरी को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें इंसान के शरीर के टुकड़े हैं। तभी वो ये बोरी उन दोनों गुंडों को मुंह पर मारते हैं और कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है, किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के टुकड़े, और हम इसका खाना कैसे बना सकते हैं। हाँ दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। खाना तो बनाना पड़ेगा ही, हम आदमखोर हैं और हम इंसान का मांस खाते हैं। दोनों उन आदमखोर की बात सुनकर मना कर देते हैं। तभी वो जबरदस्ती कर उन दोनों को मार डालता है, जिसके बाद चंपा और कमलेश चुड़ैल और भूत बन जाते हैं और कहते हैं, इसने हमें मार डाला, अब हम लोगों को मार कर उनके टुकड़े उनको ही खिलाएंगे। हाँ चंपा रानी,
अब से ये ढाबा सबको भूतिया डिनर करवाएगा। इसी के बाद दोनों ने बीती बातों से बाहर आते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। चंपा, मुझे एहसास हो गया है, हमें मासूम लोगों को मारने की जगह उस दरिंदे को ही मारना चाहिए जिसने हमें मारा था। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, जाने अनजाने हम वही कर रहे थे जो हम मरते वक्त नहीं करना चाहते थे। ये बोलते ही दोनों आदमखोरों को ढूंढकर मार डालते हैं और अपना बदला पूरा करने के बाद इस दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। चुड़ैल की सब्जियां। पिताजी, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप सब्जी बेचने जा रहे हैं। बिना जाए गुजारा भी नहीं है बिटिया, अभी इस पिता के कंधे पर जवान बेटी का घर बसाने की भारी जिम्मेदारी है। किशनगंज गांव में रहने वाला माधव अपनी 19 साल की बेटी कंगना के साथ रहता था। माधव सालों से सब्जियां बेचा करता था, आज भी वह बीमार हालतों में सब्जियों से भरा हुआ ठेला लेकर चल देता है। आलू ले, बैंगन ले, पालक ले, मेथी ले, आ जाओ भैया ले जाओ, ताजी हरी सब्जियां, भैया आ जाओ ले जाओ। जेठ की लुभरे मौसम और कड़कती धूप में सर से पांव तक वह पसीने से सराबोर हो जाता है कि अचानक धूप की तेज किरणों से उसका सर जोर से चकरा कर एक नुकीले पत्थर पर लग जाता है। हे ईश्वर, कोई बचाओ, आ लगता है आज तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। उसके सर से बहता खून पूरी जमीन को रंग देता है और माधव की जान चली जाती है। गांव के कुछ लोग माधव की लाश को उठाकर ले आते हैं, जहां कंगना रोती हुई कहती है, हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जन्म के वक्त माँ छीन ली और आज पिताजी भी मुझे छोड़ गए। बस कर कंगना बिटिया, रो रो कर आंखें सुजा ली है तूने। कंगना हिम्मत बांध कर अपने पिता की चिता को अग्नि देती है और चिता के पास बेसुध होकर रात भर फूट फूट कर रोती है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कोई अच्छी नौकरी कर सकूं, लेकिन हिसाब किताब में तो मेरा जोड़ घटाव एकदम ठीक है, मैं भी अब से सब्जी बेचूंगी। वह पाई पाई जोड़ कर मंडी से सब्जियां खरीद कर उन्हें बेचने के लिए गांव के सब्जी बाजार में ठेला लगा कर कहती है, सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाली, ये भिंडी कैसे दी? 10 रुपए पाव है बाबूजी। अरे वाह, तुम तो बड़ी ही सस्ती और ताजी सब्जियां बेच रही हो, बाकी सब्जी वाले ने तो लूट मचा रखी है, सुनार के भाव सब्जियां बेच रहे हैं। ये सुन बाकी के 3 ठेले वाले गुस्से से बौखला कर कहते हैं, अरे पप्पू, ये तो तेरा ग्राहक है ना, देख आज इस छोकरिया से सब्जियां ले रहा है, फोन तो मेरा भी खोल रहा है, एक बार तो इसको धमकाना ही होगा। तीनों अपना ठेला छोड़कर कंगना से कहते हैं, अरे ओ 2 टके की छोकरी, ये हमारा अड्डा है, हटा अपना ठेला यहाँ से। हमसे दुश्मनी मोल लेना तुझे भारी पड़ेगा। मैं तो आप तीनों को जानती भी नहीं, तो दुश्मनी का सवाल ही कहाँ उठता है। हमारा हक मारा है तूने, अरे हम बरसों से यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, उठा अपना ठेला और चलती बने यहाँ से। लेकिन ये तो ग्राहकों के हाथ में होता है कि उन्हें कहाँ का सौदा पसंद आए, उन्हें मेरी सब्जियां सस्ती लगी तो उन्होंने खरीदा। गुस्से से बौखलाकर वो तीनों सब्जियों से भरा ठेला पलटकर चल देते हैं और आए दिन उसको परेशान करते, फिर भी कंगना हार नहीं मानती थी। उसकी सब्जी की दुकान पर रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती थी। कल तक हमारे गल्ले सब्जियों की बिक्री से नोटों से ठगम ठेल रहते थे, कल की आई 2 टके की छोकरी के चलते पाव भर सब्जी बेचना भी मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर के लिए बाजार एकदम सुनसान होने वाला है, आज इसको आखिरी बार धमकाते हैं। कुछ घंटे बाद बाजार में घनघोर अंधेरा और सन्नाटा छाने के साथ वो कहते हैं, बड़ी कमीनी किस्म की छोकरिया है तू, लात समझाने पर भी तूने सब्जी बेचने का धंधा बंद नहीं किया, हमारे पेट पर लात मारने में तुझे मजा आ रहा है ना, आज तू मरेगी। मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, हटो। रुक, अभी मजा चखाते हैं तुझे। रुपेश और अजीत उसका हाथ पकड़ते हैं और पप्पू ठेले का तराजू पलटा कर उठा कर उसके सर पर मार देता है, जिसके साथ उसके सर से खून के फुहारे फूट पड़ते हैं। आह, तुमने मुझे मार कर अच्छा नहीं किया, मैं अपना बदला लूंगी। ये तो मर गई, अगर किसी ने इसको पहचान लिया तो? ऐसा नहीं होगा, इसकी लाश को भाजी तरकारी की तरह काट कर सड़ी गली सब्जियों के गड्ढे में फेंक देंगे। तीनों कसाई उसको फेंक देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है,
नहीं छोड़ूंगी, लौट आई हूँ मैं। तकरीबन 10 दिन गुजरते ही एक रात अजीत कहता है, सब्जियां बेचते हुए पता ही नहीं चला कि रात कब हुई, मुझे घर जाना होगा। इतनी भी जल्दी क्या है? खौफनाक आवाज सुनकर जैसे ही अजीत पलटता है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। अचानक जोरदार आंधी उठती है। अरे तूफान कैसे उठ गया, मुझे जल्दी से घर भागना होगा। वो जैसे ही ठेले को बढ़ाता है चुड़ैल उसके ठेले पर ढब से कूद पड़ती है। चुड़ैल के आगे लटके हुए बालों को देख अजीत पूछता है, कौन हो तुम? सारे टमाटर फोड़ दिए, इसका नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? चुड़ैल जोर शोर से रोती हुई बाल हटाकर कहती है, कहो तुम मैं हर जाना भर दूं सब्जी लेकर। चुड़ैल की लाल स्याह खूनी आंखें और विशाल रूप देख अजीत ठेले से दूर जा गिरता है। अरे अरे बाप रे तू, आज तो मैं तेरी चटनी बनाऊंगी। चुड़ैल अपने लंबे नाखून उसकी अंतरियों के आर पार करके उसे खत्म कर देती है और ठेले की सारी सब्जियां सफाचट करके लंबी डकार मारती है। आज ये चुड़ैल बहुत खुश है। एक तो मौत की नींद सुला दिया एक को, अब बचे दो। तकरीबन कुछ दिन गुजरने के बाद रुपेश और पप्पू बातें करते हुए कहते हैं, अरे अपना अजीत कहाँ लापता है? 2 हफ्ते बीत गए पर ना उसका ठेला नजर आ रहा है और ना वो। हो सकता है उसके हाथ लॉटरी लग गई हो, इसीलिए सब्जी बेचना छोड़ दिया होगा। 10 बज गए यार, अब कोई भी ग्राहक सब्जी खरीदने तो आने से रहा, चल घर चलते हैं। दोनों अपनी सब्जियों का ठेला बढ़ाते हुए चल पड़ते हैं। तभी चुड़ैल उनके पीछे आवाज लगाती हुई ठेला बढ़ाकर कहती है, सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा, ऐसे आखिर कैसे चलेगा सब्जी बेचने का धंधा। आवाज सुनकर दोनों चुड़ैल की तरफ पलटते हैं कि पप्पू चुड़ैल के पास बढ़कर कहता है, अरे तुम सब्जी वाली हो कि कबाड़ी वाली? ये बिखरी जुल्फे गंदे कपड़े पहनकर सब्जी बेचोगी तो ग्राहक तो क्या फकीर भी नहीं आएगा। पर तुम तो आ गए ना मरने के लिए। चुड़ैल तू फिर लौट आई? अरे रुपेश कुछ कर वरना ये चुड़ैल मुझे गाजर मूली की तरह काट डालेगी। चुड़ैल पप्पू को काली शक्तियों से बैंगन में बदल कर कहती है, अब देख कैसे मैं तेरा बर्ता बनाती हूँ। चुड़ैल उस बैंगन को आसमान में उछाल कर अपनी आंखों की ज्वाला से झुलसा कर बैंगन बने रुपेश को मसल देती है। इससे पहले कि मैं भी मारा जाऊं मुझे गांव भागना होगा। पप्पू 100 की रफ्तार से गांव की तरफ भागता है। चुड़ैल भी अपने सब्जी के ठेले के साथ उसके पीछे भागती है। कहां भाग कर जाएगा, आज तुझे मरना ही होगा। पप्पू गांव में बैठे लोगों की झुंड के बीच आ गिरता है। अरे भाई कौन हो तुम और इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? चुड़ैल, एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है, मुझे बचा लो। चुड़ैल सब्जी से भरे ठेले को पप्पू की ओर धकेल कर कहती है, तुझे मरने से गांव वाले तो क्या यमराज भी नहीं बचा सकता। अरे सरपंच जी ये तो अपनी कंचन है। पर अब ये इंसान नहीं चुड़ैल बन चुकी है। चुड़ैल पप्पू को उठाकर सब्जियों के ठेले पर धोबी पछाड़ मार कर कहती है, मुझे मारा था ना, अब तू भी मर। रुको आखिर क्यों मार रही हो इस बेचारे को? ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है और पूरा गांव आंधी की चपेट में आ जाता है। बेचारा नहीं कसाई है ये, इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मुझे बेरहमी से मार कर मेरी बोटियों को सब्जी के खत्ते में फेंक दिया था, आज मैं इसकी जान ले लूंगी। मुझे माफी दे दो चुड़ैल। छोड़ दो चुड़ैल इसको। मैं इस हत्यारे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। खबरदार जो किसी ने मेरे बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार डालूंगी। चुड़ैल गांव के लोगों पर सब्जियों की बरसात करते हुए अपने विशाल रूप में आकर पप्पू को अपने हाथ में उठाकर मसलते हुए खाने लगती है। आज मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तीनों हथियारों को मौत के घाट उतार कर चुड़ैल की आत्मा सितारों की रोशनी के साथ गायब हो जाती है। लेकिन कभी कभी वो चुड़ैल आधी रात सब्जियों के ठेले के साथ दिखा करती थी। एक काली गुफा में 3 चुड़ैल पिंजरे में कैद होकर आपस में बात करते हुए बोलती हैं, बाप रे इन इंसानों के अंदर दिल भी है या नहीं? हाँ बहन,
तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। लगता है इन लोगों के अंदर सच में दिल नहीं है, तभी तो हम तीनों चुड़ैल को इस पिंजरे में कैद कर रखा है। खैर जो भी हो, जिस दिन हम इस पिंजरे से निकलेंगे उस दिन हम किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे, हम सभी इंसानों को मौत के घाट उतार देंगे। ये तीनों चुड़ैल आपस में बात कर ही रही थी कि तभी उस गुफा के सामने से दो लड़के गुजर रहे थे। वो लड़के आपस में बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी वो तीनों चुड़ैल उन दोनों आदमियों की खुशबू को सूंघकर आपस में बोलती हैं। अरे बहन, क्या तुझे इंसानों की खुशबू आ रही है? हाँ, हाँ तो रही है, लेकिन हम उस इंसान को रोके कैसे? हमें इस पिंजरे से निकलना होगा। अरे रोकना क्या है, उसे आवाज लगाओ और वो रुक जाएगा। वो दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी वहाँ अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस हवाओं के साथ उन्हें किसी की आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। अरे भैया, इस गुफा में से तो कोई आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें इस गुफा के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर तीन भयानक खूंखार चुड़ैल रहती हैं। हाँ भैया, मैंने भी सुना है। छोड़ो छोड़ो, इन आवाज को इग्नोर करो और यहाँ से चुपचाप 9-2-11 हो जाओ। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। ये देख कि वो दो आदमी उन चुड़ैल के पिंजरे के पास नहीं आए, ये देख वो चुड़ैल गुस्से में बौखला जाती है और बौखलाते हुए बोलती है, आह, ये इंसान यहाँ कैसे जा सकता है? इसकी इतनी हिम्मत की है यहाँ पर आया और हमसे मिलकर भी नहीं गया। जिस दिन मैं इस पिंजरे से निकली उस दिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे तू क्या, हम दोनों भी इनको नहीं छोड़ेंगे। अब इनको मौत के घाट उतारना ही होगा, आखिर एक बार हम यहाँ से निकल तो जाए। वो तीनों चुड़ैल इस तरह चिल्लाती रहती है और इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह के समय विनय नाम का एक लड़का उस गुफा की तरफ से जा रहा था कि तभी उस गुफा से विनय को भी एक आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। ये आवाज सुनकर विनय उस गुफा के अंदर जाता है, जहाँ वो उस गुफा के अंदर सुंदर सी तीन लड़कियों को देखता है। वो उन तीनों लड़कियों को देख उनसे बोलता है, अरे तुम तीनों यहाँ पर इस पिंजरे में कैसे कैद हो? तुम तीनों को पिंजरे में किसने कैद किया है? अरे मेरे राजा, हम लोग तो तुम जैसे स्मार्ट और डैशिंग बॉय के साथ रहना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को एक बुड्ढे से दिखने वाले लड़के ने इस पिंजरे में कैद कर लिया और वो हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इतना कहकर वो उन तीनों का पिंजरा खोल देता है और जैसे ही उन लड़कियों का पिंजरा विनय खोलता है, वैसे ही वो तीनों लड़कियां बाहर आती हैं और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके बाद वो एक विशाल चुड़ैल बन जाती हैं। उन तीनों भयानक चुड़ैल को देख विनय उनसे बोलता है, हे भगवान, तुम तो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल हो। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो हमें आजाद करवाया है, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। यहाँ से जाना है ना, जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर विनय खुश हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद गांव में विनय आकर सभी को सब कुछ बता देता है। उसकी बात सुनकर मोहित बोलता है, विनय, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने आखिर उस पिंजरे को क्यों खोल दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वहाँ तीन भयानक चुड़ैल रहती हैं? मुझे माफ कर दो, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैंने सोचा इतनी प्यारी आवाज है, क्या पता वहाँ कोई लड़की फंसी होगी, उसको आजाद करवा कर मैं उससे शादी कर लूंगा। और तुम उसकी नजरों में महान बन जाओगे, है ना? यही सोचा था ना तुमने? खैर, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुमने दो गलती कर दी, अब मुझे ही कुछ सोचने दो। इतना कहकर मोहित अपनी आंखें बंद करता है, जहां से उस पिंजरे का रूप दिखाई देता है, जिसके बाद उसे उन चुड़ैलों के खात्मे के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वैसे ही वो तीनों चुड़ैल उस गांव में उसके सामने दिखाई देती है। वो चुड़ैल अब उन लोगों को अंधाधुंध मारने लगी कि तभी कुछ गांव वाले हिम्मत करके चुड़ैल के सामने आते हैं और उससे बोलते हैं, आखिर तुम इन गांव वालों को क्यों मार रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम लोगों को आजाद ना करके तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती करी है। हमारा गुस्सा अब सातवें आसमान पर है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। हाँ, तुम नहीं बचोगे। एक बार तो हमें किसी तांत्रिक ने उस पिंजरे में कैद कर दिया था, लेकिन अब हम उस पिंजरे से आजाद हो चुके हैं। एक तरफ तो चुड़ैल और गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित चोरी छिपे उस गुफा में जाता है, जहां वो उस गुफा में रखे हुए तीन पिंजरों को जला देता है।
जैसे ही वो पिंजरा जलता है वैसे ही वहाँ वो चुड़ैलें जलने लगती हैं। खुद को जलता हुआ देख चुड़ैल गुस्से में बोलती है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। हाँ ठीक है, हम लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन तुम लोगों ने कौन सा भला किया है? हमारे बेचारे विनय को धोखे में रखकर खुद को आजाद करवा लिया। वो तो तुम्हारे विनय की मूर्खता थी। अरे तुम इंसान होते ही मूर्ख हो, भला एक गुफा के अंदर कोई लड़की कैसे कैद रह सकती है? तुम इंसानों की कमजोरी ही सुंदरता होती है। जहाँ सुंदर लड़की दिखी नहीं वहाँ तुम लड़के फिसले नहीं। लेकिन याद रखना, हम वापस जरूर आएंगे और जब आएंगे तो हम तुम लोगों को तबाह कर देंगे। वो ये बात कह रही थी कि तभी एक तरफ पिंजरा जलकर राख होता है तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है, और इस तरह अब उस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद सभी गांव वाले अब खुशी के साथ मिलजुल कर रहने लगे।